Yes, students, let's start our discussion with Human Genome Project. ठीक है, Human Genome Project के बारे में हम बात करेंगे. देखिए, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइज इन डीएनए सीक्वेंस. ठीक है, हम देखेंगे कि जो हमारा ह्यूमन जीनोम यानी ह्यूमंस का जो जीनोम है उसका पूरा एक प्रोजेक्ट, उसका पूरा सीक्वेंशियल डिस्क्रिप्शन, तो वो हम किस में पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में. तो हम जानते हैं कि जो हमारा जेनेटिक मेकअप है वो पूरा डीएनए के सीक्वेंस में लाई करता है, यानी हमारे जीन्स का जो अरेंजमेंट है वो डीएनए के सीक्वेंसेस पे, डीएनए के अरेंजमेंट पे डिपेंडेबल होगा. तो इफ टू इंडिविजुअल डिफर देन देयर डीएनए सीक्वेंसेस विल आल्सो वेरी. अगर दो इंडिविजुअल अलग होंगे तो उनका डीएनए ऑब्वियसली अलग होगा. कोई भी दो पर्सन का डीएनए एक नहीं हो सकता जो एक जैसे नहीं है. ठीक है, अगर हम देखें, 13 ईयर प्रोजेक्ट था ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दोनों ने मिलकर 13 साल तक इसके ऊपर वर्क किया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर. और उन्होंने क्या निकाला, कंप्लीट नॉलेज निकाली ऑर्गेनाइजेशन की, स्ट्रक्चर की और फंक्शन की, ह्यूमन जीनोम के यानी ह्यूमन के जीन्स की पूरी स्ट्रक्चर निकाला, पूरा उसका फंक्शन निकाला और उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन निकाली. फिर बाद में 1992 में ये लॉन्च हुआ था, लेकिन 2003 में यानी 13 इयर्स में जाके ये कंप्लीट हुआ. तो हम देखेंगे इसके गोल्स क्या हैं. ठीक है, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन एम क्या रहा. ठीक है, इसकी मेन गोल क्या है, तो टू आइडेंटिफाई द 20,000 टू 25,000 जीन्स इन ह्यूमन. हमारी बुक में तो 1990 लिख रहा है. हाँ बेटा, मैंने यही तो बताया, 13 साल बताया ना, 13 इयर्स. 13 इयर्स कब तक हुए, 1990 से 2003. ठीक है, ये 13 इयर्स का पूरा प्रोजेक्ट चला. ठीक, जिसमें इसके गोल्स क्या थे कि जो ह्यूमन का डीएनए है उसके 20,000 से 25,000 जो जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना और उनके बीच में एक जेनेटिक लिंकेज मैप बनाना, ताकि उस मैप के थ्रू हम ये बता सके कि कौन सा जीनोम, कौन सा डीएनए कहाँ पर है, जिसके थ्रू हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई भी डिसीज होती है तो हम उस जीन जेनेटिक मैप को स्टडी करके पता करेंगे कि इसका कोई क्रोमोसोम डिस्टर्ब हुआ है या कोई म्यूटेशन आया है या क्या रीजन है. ठीक है, और फिर जीन मार्कर्स उनके ऊपर मतलब मार्किंग करके पता करना कि कौन सा जीन कहाँ पर है. तो टू आइडेंटिफाई, जैसे हम देखते हैं ना, मैप क्या होता है कि हमारी अर्थ का मैप है या हम कहें हमारी जनरली स्कूल का मैप है, तो स्कूल के मैप में क्या होगा डिस्क्राइब कि कौन से क्लासरूम, कितने रूम्स, किस फ्लोर पर है, वॉशरूम कहाँ है, रिसेप्शन कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, पी काउंटर कहाँ है, ये सब चीजें ही तो मेंशन होंगी उस मैप पे. सिटी के मैप पे हमारे सिटी के पूरे एरियाज होंगे, वर्ल्ड मैप पे सारे कंट्रीज होंगे, स्टेट्स होंगे. ठीक है, तो मैप क्या करता है, हमें शो करता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे सारी जगहों को, सारे प्लेसेस को. तो इसी तरीके से यानी जीन्स का मैप बनाना कि हमारी बॉडी में किस तरीके से उनका जेनेटिक अरेंजमेंट है, उनकी स्टडी करने के लिए बनाया गया. तो इसमें हमने पहली बात तो हमने पूरी जीन्स की मैपिंग करी, दूसरा हमने ये देखा टू डिटरमाइन ऑल द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर सीक्वेंस, यानी हमारी बॉडी में 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर सीक्वेंस है, उन सभी की स्टडी करने के लिए बनाया गया, ताकि ह्यूमन डीएनए किससे बना हुआ है, किस सीक्वेंस से बना हुआ है वो हम पहचान सकें. फिर ये जो डेटा है और टेक्नोलॉजी है, उस डेटा को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी क्या क्या है, उसको डेवलप करने के लिए, उसके मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉर्म में करने के लिए डीएनए के हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया. फिर हमने इसलिए भी बनाया उसको टू ऑब्टेन फिजिकल मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम बाय क्लोनिंग जीनोमिक डीएनए. ठीक है, जीनोमिक डीएनए को क्लोन करके, ताकि हम जितने भी आपके ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हैं या किसी भी क्रोमोसोम्स के थ्रू YAC, BAC यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, इनके थ्रू हम पता कर सकें ह्यूमन का जीनोम.
फिर टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक बार टेक्नोलॉजी कहीं बन गई तो तब तक ट्रांसफर करने के लिए उसको एक प्रॉपर फॉर्म में करना पड़ता है, तो वही क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। टू एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इशूज, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई केस आता है, किसी की भी केस स्टडी करनी होती है सोशल एथिक्स की स्टडी या लीगल इश्यूज की, यानी क्राइम इस पे भी ये काम आता है, ठीक है, क्राइम सीन्स पे, रेप केसेस में, या आइडेंटिफाई करने में चिल्ड्रन और पेरेंट्स की लॉस्ट आउट केसेस में, किसी भी केसेस में ये फिर हेल्प कर सकता है। तो बैक्टीरिया, ईस्ट, सिनेरोबेटिस, एलिगेंस और ड्रोसोफिला, इन सभी का सिक्वेंस भी हमारे पास आज के टाइम में अवेलेबल है ह्यूमंस के अलावा। 2003 तक HGP बना था जिसमें उसकी पूरी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। बेटा ये कोई डिवाइस नहीं होता है, ये पूरी मैपिंग होती है, जैसे मैप है आपके सामने रखा होता है तो वो कोई डिवाइस नहीं है, वो तो एक रिप्रेजेंटेशन है, जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑन थ्रो मैप, उसको आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कह रहे हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है? इफेक्ट ऑफ DNA variations कैन बी स्टडीड अमंग इंडिविजुअल्स विच कैन लेड टू रिवॉल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोज। देखिए यानी जितना भी इफेक्ट है DNA variation का वो हम इंडिविजुअल्स में स्टडी कर सकते हैं और रिवॉल्यूशन आ सकता है और बहुत सारे डिसऑर्डर्स को हम इसके थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम देख सकते हैं ना कि कौन सा जीन कहाँ पर है, मैप से पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हम ये देख लेंगे कोई डिस्प्लेस तो नहीं हुआ है, ठीक है, यानी उस जीन मैपिंग के थ्रू हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर हमें इससे पता चलेगा कि जो ह्यूमन बायोलॉजी है उसको हम कैसे स्टडी करें, उसके क्या क्या क्लूज हैं, वो हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिलते हैं। और फिर हमें मिलती है इंफॉर्मेशन नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की भी, जैसे बैक्टीरिया की, ईस्ट की, निमेटोड्स की, फ्रूट फ्लाई, प्लांट फ्लाइज, किसी की भी हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस मैप जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू, मैपिंग के थ्रू, जेनेटिक मैपिंग के थ्रू पता कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें मैथडोलॉजीज क्या है, यानी दो इसमें मैथड्स हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला मेथड है एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टेस्ट, ठीक है, ESC, एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो दिस मेथड फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस एज RNA, यानी जो जीन्स RNA की फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस कर सके हैं, कर चुके हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि जो RNA की फॉर्म में आए हैं वो कैसे हैं, क्या हैं, और उनका प्रॉपर मेथड, प्रॉपर डिवीजन, प्रॉपर उनका अरेंजमेंट कैसे है, वो हम इसके थ्रू पता कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज SA, यानी सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस पता करना, अपने सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो सीक्वेंस एनोटेशन क्या है? अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम, यानी पूरा जीनोम का जो सेट है उसको सीक्वेंस देना, दैट कंटेन ऑल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जिसमें सारे कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस आ जाते हैं, और बाद में अलग अलग रीजन पे हम बता देते हैं कि किस पर्टिकुलर सीक्वेंस का क्या फंक्शन है, वो हमें किससे पता चलेगा, सीक्वेंस एनोटेशन से, पर्टिकुलर फंक्शंस आइडेंटिफाई करना सीक्वेंसेस का, उसको हम कहेंगे सीक्वेंस एनोटेशन। फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल DNA फ्रॉम सेल इज फर्स्ट आइसोलेटेड, तो इसका प्रोसेस क्या है, पहले हमने पूरा DNA आइसोलेट कर लिया, किसी एक सेल को लिया और उसका पूरा DNA आइसोलेट कर लिया और फिर उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर दिया, ब्रेक कर दिया, इन फ्रेगमेंट्स को हमने होस्ट में इंसर्ट कराया, जिसके ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट करना है, किसके थ्रू होगा, वेक्टर के थ्रू होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी में, हम ये सारी टर्म्स पढ़ेंगे। वेक्टर क्या है? जिसने कुछ कैरेक्टर्स को होस्ट के अंदर इंसर्ट कराया, जैसे हम लोगों के लिए हम कहते हैं ना मॉस्किटो ने वेक्टर का वर्क किया हमें मलेरिया करना आने के लिए, कोई भी फीवर कराने के लिए, तो वहां पे वेक्टर का रोल हुआ, तो उसको हम यहाँ पे भी वेक्टर कह रहे हैं। तो व्हेन बैक्टीरिया इज यूज एज वेक्टर, अगर हमने बैक्टीरिया को वेक्टर की तरह यूज किया तो वो क्या आ जाएगा, BAC, ठीक है, क्या आ जाएगा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट को यूज किया तो YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम,
ठीक है, तो फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था प्रिंसिपल जिसके हिसाब से जो सीक्वेंसेस हैं डीएनए के वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में लगते चलेगा, एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट में वो अपने आप को लगाते चलेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग रीजन ऑन डीएनए फ्रेगमेंट, अब ये समझना ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, अगर एक फ्रेगमेंट यहाँ है ये है, अब यही अगर इसको ओवरलैप कर जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा इसका पार्ट आ जाए तो हम इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस के हिसाब से इन सीक्वेंस को अरेंज किया गया, अलाइनमेंट दिया गया, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लगाई गई, बायोलॉजी में पूरा कंप्यूटराइज वर्क हुआ इसी अलाइनमेंट के थ्रू। ठीक है, जैसे उन्होंने मैथमेटिकल अप्रोचेस, मैथमेटिकल आइडियाज अप्लाई करे थे मेंडल ने, ठीक है, ऐसे ही फ्रेडरिक सेंगर ने कंप्यूटराइज अप्रोचेस को बायोलॉजी में अप्लाई किया। ठीक, तो हम देखेंगे फॉर दीज सीक्वेंसेज आर एनोटेटेड एंड वर असाइंड टू ईच क्रोमोसोम, ऐसे सीक्वेंसेस पर्टिकुलर एनोटेटेड यानी अप्लाई किए जाते हैं, दिए जाते हैं हर क्रोमोसोम को अलग अलग, और सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम ठीक है वॉज कम्प्लीटेड ओनली इन मे 2006, इट वॉज द लास्ट क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस, यानी सभी क्रोमोसोम्स का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बना लिया गया है और जेनेटिक और फिजिकल मैप जो थे जीनोम्स के वो रेडी करना इजी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक मैपिंग कंप्यूटराइज बेस्ड प्रोग्राम की वजह से इजी मैपिंग होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके फीचर्स क्या रहे। देखिए सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, तो यहाँ हम देखेंगे देखिए ह्यूमन जीनोम, देखिए ध्यान से देखेंगे सभी, फर्स्ट इज ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ठीक है, इतने सारे इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं। एवरेज जीन के पास 3000 बेस हैं, लेकिन उनका साइज अलग अलग हो सकता है ज्यादा या कम। ठीक है, विद द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन बीन डिस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसिस, यानी जो सबसे बड़ा ह्यूमन जीन है वो क्या है 2.4 मिलियन बेसिस का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स अगर हम देख रहे हैं तो वो क्या है 30,000, मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट जो 80,000 से 140,000 का आया था, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जीन्स का एस्टिमेशन 30,000 निकला, और ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल प्यूपिल, सभी में न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होते हैं 99.9% तक सभी में सेम रहते हैं। जो फंक्शंस हैं वो अननोन है, फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन, यानी 50% डिस्कवर्ड हुए हुए जीन्स का अभी तक फंक्शन नहीं पता, और लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, जो टोटल कोड जो टोटल जीनोम है उसमें से केवल 2% से भी कम का जो जीनोम है वो प्रोटीन्स की कोडिंग करता है। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन, यानी ह्यूमन जीनोम में रिपीटेड सीक्वेंस बहुत बार मिला, ATGC एक साथ लिखा हुआ जैसे, या AATTGC ऐसे मिल गया, कोई भी सीक्वेंस जो बार बार खुद को अरेंज कर रहा है रिपीटेड सीक्वेंस वो बहुत बार मिलता है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है डीएनए के ऐसे स्ट्रेचेस जो बहुत बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, 100 to 1000 times भी अपने आप को रिपीट करते हैं। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, इन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का कोई कोडिंग फंक्शन डायरेक्टली नहीं देखा गया, लेकिन जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है या उसकी डायनेमिक्स है, उसकी पूरी स्टडी है ओवरऑल, या उसका इवोल्यूशन है, उसके ऊपर इन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का एक बहुत बड़ा रोल देखा गया है, लेकिन डायरेक्ट फंक्शन क्या है ये हमें अभी तक
नहीं पता मैम रिपीटेटिव सीक्वेंसेस क्या है यहाँ पे। रिपीटेटिव जो बार बार खुद को रिपीट कर रहे हैं, जैसे हम ले लें कोई भी AATTGC हमने ले लिया, इसी तरीके से 1000 तक के सीक्वेंसेस खुद को, 100 to 1000 तक के सीक्वेंसेस खुद को बार बार रिपीट करते हैं, एक जैसे चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ATGC का सीक्वेंस ले लिया, तो ATGC के सीक्वेंस ने अपने आप को 100 times रिपीट किया होगा कम से कम, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्रोमोजोम 1 हैज मोस्ट जीन्स एंड द वाई हैज फ्यूएस्ट। हम देखेंगे कि जो क्रोमोजोम 1 है सभी का, उनके अंदर 2968 जीन्स पाए गए, लेकिन जो वाई क्रोमोजोम है जो मेल्स के पास होता है उसमें सबसे कम मिले, केवल 231 जीन्स मिले। ठीक है, अब हम देखेंगे साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेसिस डीएनए डिफरेंसेस अकर इन ह्यूमन। और साइंटिस्ट ने ये देखा कि कम से कम भी 1.4 मिलियन लोकेशन थी जहाँ पे सिंगल बेसिस या डीएनए डिफरेंस होते वो ह्यूमन में आए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्रॉमिस करती है ताकि क्योंकि इसने रिवॉल्यूशन लाया है, बहुत तेजी से चेंजेस आए हैं, इवोल्यूशन हुआ है, वो इन सीक्वेंसेस की वजह से ही हुआ है, डिसीजेस भी इसी से जुड़ी हुई हैं, और ह्यूमन की हिस्ट्री अगर हम ट्रेस करने चलें तो वो सब कुछ इसी से अटैच्ड है।